स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल सचिन वाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि समग्र आईडी कैसे ढूंढना है पोर्टल के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई सा भी ब्राउज़र ले लेंगे। ब्राउज़र में आपको सिंपल गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे समग्र पोर्टल यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, तो इसमें जैसे क्लिक करना है। बस क्लिक करने के बाद दोस्तों आप किसी भी समग्र जो आईडी है उसको प्राप्त करने के लिए परिवार में किसी के भी नाम से आप समग्र आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी जाने इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप समग्र आईडी डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास समग्र आईडी परिवार आईडी कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको अपने नाम से सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों सदस्य आईडी से जानकारी देखें। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नंबर 3 का जो ऑप्शन आ रहा है परिवार किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इसमें क्लिक करेंगे। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जिला अपना सिलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे मैं कटनी जिला से हूँ तो मैं कटनी जिला यहाँ पे पहले सिलेक्ट करूँगा। फिर जैसा मेरा नगर पंचायत बड़वारा लगता है दोस्तों, तो मैं जनपद पंचायत बड़वारा लगा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप मेल हो या फीमेल हो यस, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ इंग्लिश में प्रथम 3 अक्षर एंटर करें, अपने नाम का 3 जो अल्फाबेट हैं उसको एंटर करना है। जैसे मेरा नाम सचिन है, SACH, और यहाँ पे मैं सरनेम अपना डालूंगा वैसे ही 3 अंक का SAK, और मैं यहाँ अपना ग्राम पंचायत जोन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है दोस्तों आपको उसको फिल करना है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है मेरी आईडी और मेरा समग्र आईडी। धन्यवाद अभी।